Shruti, honorable judges, advocates and bhaiyo aur behno, a very good evening to one and all and om shanti. Jo topic par main kuch apne vichar rakhne ja rahi hu वह है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड जुडिशियल ट्रेंड्स करंट डेवलपमेंट. तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का जुडिशरी से क्या रेलेवेंस या नेक्सस है, ये शायद हमारी मन में सोच उठती है कि इज़ देर एनी कन्वर्जेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लॉज एंड वर्ल्डली लॉज, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह पर है एंड लीगल लॉज अपनी जगह पर है. हमेशा जब भी अपने विचार रखती हूँ लोगों के सामने, कुछ सही दृष्टांत सामने रखकर अपना वक्तव्य स्टार्ट करती हूँ. और मेरे ध्यान में एक चार दृष्टांत आपके सामने रखूँगी, जो ना कि फिक्टिशियस स्टोरीज है लेकिन यह सही ट्रू स्टोरीज है. एक बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द ग्रेट फिलोसोफर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हवाई जहाज से वो वॉशिंगटन डीसी गए. और जब वो अमेरिका पहुँचे तो वहाँ बहुत ही जोरों की बारिश हो रही थी, देयर वाज स्टॉर्म एंड बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पाते थे. तो वहाँ के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी डॉक्टर राधाकृष्णन को रिसीव करने आए थे और वो बिल्कुल जहाज के पास पहुँचे. और जैसे ही डॉक्टर राधाकृष्णन जहाज से उतरे तो उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, वी हैव अ वेरी बैड वेदर ड्यूरिंग योर विजिट टू यूएस. तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने हंसकर उनसे कहा कि मिस्टर कैनेडी, वी कैन नॉट चेंज बैड थिंग्स इन लाइफ, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स बैड थिंग. हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा है वह हम ज़रूर चेंज कर सकते, बाकी जो बुराइयाँ है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते. आजकल जिम और एरोबिक्स एंड फिटनेस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वातावरण रहा है. तो एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने किसी एक आदमी से पूछा, डू यू एक्सरसाइज? तो उस आदमी ने कहा, यस सर, आई डू एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट. Restraint over the vikars which ruins a person's life. Baba hame kehte hai ki ye panch vikar, you know, which is attached to the worldly laws, the materialistic world, kaam, krodh, lobh, moh, ahankar, ye jab tak hamare saath saath rahenge tab tak hum apni aatmiya kalyan kabhi nahi kar sakenge. तो उस आदमी ने जब फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने पूछा, डू यू एक्सरसाइज, तो उसने कहा, यस आई डू एक्सरसाइज, मे नॉट बी फिजिकल एक्सरसाइज बट आई एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट ओवर दीज वाइजेस, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी डेंजरस कंपेनियंस टू ट्रैवल विथ, दे कैन रूइन अ पर्सन्स लाइफ. और एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि कन्फ्यूशियस नाम के चाइनीज स्कॉलर थे और ये एक सही दृष्टांत है. और बहुत ही विद्वान थे, उनका इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत ही ऊंचा था और बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे. तो बेड पे लेटे लेटे उन्होंने देखा कि उसके बेड के चारों ओर सभी लोग उसको लास्ट विदाई देने के लिए खड़े थे, क्योंकि उसकी सांस कभी भी रुक सकती है. तब वो बोल भी नहीं पाते थे, इतने वीक हो चुके थे. तो उसने एक इंसान को अपने पास इशारा करके बुलाया और वह इंसान उसके पास गया, उसके पास जाकर बैठ गया और उसने
धीरे से अपनी जो भी आवाज बची थी उसमें उसने उससे कहा कि मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ, आप देख के बताइए मेरे मुंह में क्या है। तो उसने अपना मुंह, जो बूढ़े हो चुके थे, मुंह खोला। उस इंसान ने उसके मुंह में झांका और उससे कहा कि आपके मुंह में बस जीभ के सिवाय और तो कुछ नहीं है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, ठीक है, अभी आप अपने स्वयं के मुंह में देखिए कि आपके मुंह में क्या क्या है। तो उस इंसान ने कहा कि मेरे मुंह में जीभ भी है और दांत भी है, आपके मुंह में एक भी दांत बचा नहीं है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि ये पूरी ज़िंदगी जो मैं अपने विचार लोगों तक रखता गया, ये मेरी एक लास्ट एडवाइस है आप सभी को, और ये मेरा एक लास्ट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। और यही मेरा मैसेज है कि देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, सिर्फ जीभ होती है, टंग यानी कि टंग, और वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। फिर धीरे धीरे उसको दांत आते हैं और वो बहुत ही हार्ड होते हैं, दांत हार्ड होते हैं। और फिर जैसे ही उसकी उम्र बढ़ के फिर ढलने लगती है, एक एक करके सारे दांत टूट जाते हैं और आखिर में जीभ रह जाती है यानी कि टंग। सो माई मैसेज इज दैट एनीथिंग दैट इज सॉफ्ट इज एवर लास्टिंग। सो ऑलवेज बी सॉफ्ट, जेंटल एंड ह्यूमेन। दिस इज माई लास्ट मैसेज टू यू। तो और वो फिर अपनी सांस छोड़ दी उन्होंने और वो फिर मर चुके। बाबा हमें यही सिखाते हैं, स्पीक स्लो, स्पीक सॉफ्टली। एनीथिंग विच इज डन सॉफ्टली हैज़ गॉट एन एवर लास्टिंग वैल्यू। एंड जब जुडिशरी की बात आती है तो यह भी एक सही दृष्टांत आपके सामने रख रही हूँ कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, एक बार जब हमें ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, एक ब्रिटिश जज के सामने वो एक केस आर्ग्यू कर रहे थे, और केस आर्ग्यू करते करते वो जज को, इंडियंस पे इतना गुस्सा था ब्रिटिश जज को, कि वो बार बार मिस्टर नेहरू को टोकते थे कि मिस्टर मोतीलाल नेहरू, शायद आप जो बोल रहे हैं उसमें कहीं आपकी गलती होगी, यू मे बी मिस्टेकन। तो मिस्टर मोतीलाल नेहरू ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, वो बोलते गए, वापस जज ने टोका कि शायद आपकी कहीं मिस्टेक हो रही है, यू मे बी मिस्टेकन मिस्टर नेहरू। वापस उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स बोलते गए। अभी जज को इतना एंगर आ गया, गुस्सा आ गया कि उसने उसको रोक दिया और उसने कहा, मिस्टर नेहरू प्लीज़ स्टॉप हियर, यू थिंक दैट आई एम अ फूल दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर आर्ग्यूमेंट्स, यू थिंक दैट आई एम, इन इंग्लिश लैंग्वेज जो लीगल लैंग्वेज में कहते हैं उसे इडियट कहते हैं, द वन हु इज़ फूलिश एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड। तब मिस्टर मोतीलाल नेहरू रुक गए, उन्होंने अपना चश्मा नीचे रखा और वो बोले, नो सर आई नेवर मेंट सो, कि मेरा कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था आपके बारे में, आप क्यों ऐसा कह रहे हो, आई नेवर मेंट सो, बट देन सर, तो जज और भी गुस्से से हो गया, बट देन वॉट मिस्टर नेहरू, बट देन यस टेल मी क्विकली, बट देन वॉट मिस्टर नेहरू। तो मिस्टर मोतीलाल नेहरू ने बड़े ही शांति से उन्हें कहा कि इन सेइंग सो, कि नहीं मेरे मन में ऐसा विचार नहीं था, आई मे बी ट्रूली मिस्टेकन, इसका मतलब आप सही में वो हो जो आप कह रहे हो। तो देखिए भावार्थ यह है कि कहने का तरीका भी क्या है, कि जबकि उसको इंग्लिश में आर्टलेस आर्ट ऑफ रिपार्टी कहते हैं, कि अगर हम शांति से, अगर दूसरी तरफ के इंसान जो बिल्कुल गुस्से से भरा हो उसको हम अपने विचार ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाट कम्स आउट ऑफ और व्हाट परकोलेट्स आउट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। हम जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करते हैं,
15th अगस्त, 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद ही है और हम हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 70 साल भारत को स्वतंत्रता मिली हो गए हैं और 68 साल से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो आए हुए 68 साल से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर मैं अपने आप को यह प्रश्न पूछूं, अगर या फिर मैं आप में से किसी को यह प्रश्न पूछूं कि क्या हम सही में इंडिपेंडेंट है, हाउ ह्यूमेन इंडिपेंडेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ डू वी लिव, ये एक प्रश्न आज भी हमारे समक्ष खड़ा है। कल से हम काफ़ी लोगों को, विद्वानों को सुनते आए हैं, हम देख रहे हैं, एंड जस्टिस ढोलकिया सर ने कहा कि टेररिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं है, बड़े बड़े डेवलप नेशंस में भी टेररिज्म इतनी हद तक फैल गया है, तो उसको हम इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं। कुछ ऐसे गुनाह है जो सिर्फ टेरिटोरियल बॉर्डर्स तक नहीं लिमिटेड है लेकिन बॉर्डर के बाहर भी वह फैले हुए हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग टेररिज्म है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। और हम देख रहे हैं, मैंने अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ी थी कि कई साल पहले, तब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी और अयोध्या गई हुई थी, वहाँ जजिस की ट्रेनिंग में एक लेक्चर देना था, तो वो मुझे अयोध्या, जब एकदम हॉट इश्यू था बाबरी मस्जिद का, अभी वो इश्यू के इतने साल होने के बाद 4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसी जगह पर राम मंदिर बनाने का सारा सामान पहुंच गया है। तो धर्म क्या सिखाता है हमें? क्या हमें धर्म आपस में लड़ना सिखाता है? कोई भी धर्म, मैं नहीं सोचती कि ऐसा सिखाता होगा कि हमें सिर्फ अपने धर्म का ख्याल रखना है, लेकिन रिलीजियस राइवलरीज आज तक चली आ रही है, माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स आज तक चले आ रहे हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि इतने हाई पावर्ड कमीशन्स बने हैं। दिल्ली में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, और हम देख रहे हैं कि हर स्टेट में माइनॉरिटीज़ कमीशन्स, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट पहुँचे हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 20 से 30 तक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन राइट्स बने हुए हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि देर आर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी स्टेटस के लिए चाहे हार्दिक पटेल हो या चाहे कोई भी अदर कम्युनिटीज़ हो, आज तक लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और हमारे महाराष्ट्र में तो मराठास को भी अभी सेपरेट स्टेटस देने की बात आ रही है, तो ये झगड़े आज तक चल रहे हैं। पाशापुरे सर ने सुबह में बताया कि कस्टोडियल एट्रोसिटीज़ कितनी होती है, कस्टोडियल टॉर्चर, वो तो उसी में है, तो उनको हद से ज़्यादा ही मालूमात है कि हमारे देश में कस्टोडियल एट्रोसिटीज़ कितनी है। कस्टोडियल टॉर्चर, आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन, ये एक रूटीन बात हो गई है हमारे देश में। नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, मैनमेड डिज़ास्टर्स आते हैं, फेमाइन आता है, ड्रॉट सिचुएशंस आती है, और उसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो हमारा संविधान कहाँ है, हमारे कानून कहाँ है, क्या चीज़ है जो हम में वैल्यूज़ इनकलकेट करके हम उस पे से उभर के आ सकते हैं? तो ये एक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का जो ज्ञान है वह हमारे लिए बहुत ही महत्व का है। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय पुलिस, बाय मिनिस्टर्स एंड दोज इन पावर, ये बहुत कॉमन हो गया है कि वायलेशंस किस हद तक की होते हैं। रिप्रेसिव रेजिम, जो ऊंची पोजीशन पे है वो नीचे वालों को दबा के रखते हैं, क्या वह इंसान नहीं है? और वह अगर इंसान नहीं है तो क्यों उनकी सोच नहीं बदलती है? क्योंकि उनमें ये कहीं कुछ वैल्यूज़ की खामियां है, तो इस बारे में हमें सोच करनी है। बीच में 5-6 साल पहले यह जूरिस की कॉन्फ्रेंस में प्रश्न उठा था
कि कैन वी ड्रीम ऑफ लिटिगेशन फ्री इंडिया, जहाँ कोर्ट कानून कचहरी कुछ भी ना हो. कैन देर बी अ लिटिगेशन फ्री इंडिया एंड कैन वी ड्रीम अबाउट अ लिटिगेशन फ्री इंडिया? तो कहते हैं कि हाँ, अगर हमने कुछ ड्रीम किया हो तो हम ज़रूर उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें एफर्ट्स डाल सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन माइंड 25,000 साल पहले ही डेवलप हो चुका है. तो अगर 25,000 साल पहले ह्यूमन माइंड डेवलप हो चुका है, तो क्यों हमने तरक्की सिर्फ पिछले 200 या 250 वर्ष से ही की है? ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो तरक्की की, एडवांसमेंट्स हमने की, वह सिर्फ 200 या 250 वर्ष से ही की है, उसके पहले तो नहीं की थी. तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि ह्यूमन बीइंग्स ने सिर्फ देख रहे थे और उन्होंने कभी ड्रीम यानी स्वप्न नहीं देखा. बाबा जैसे हमें सिखाते हैं कि हमें भारत कैसा होना चाहिए, वो हमें उन्होंने स्वप्न दिखाया है, एक स्वर्ग जैसा. तो ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ नेचर देख रहे थे, बिल्कुल दे वुड नेवर ड्रीम ऑफ एनीथिंग गुड. और दूसरी बात, हम सब इंसान में यह कॉमन है कि वी अंडर एस्टिमेट अवर कैपेबिलिटीज़. हम में बहुत ही कैपेबिलिटीज़ है एंड वी ओवर एस्टिमेट अवर लिमिटेशंस. ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा, ये नहीं, ये मेरे काम का नहीं है, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दैट इज़ नॉट वॉट आई कैन डू, आई हैव माई फिजिकल लिमिटेशंस, आई हैव माई मेंटल लिमिटेशंस. तो हमारे लिमिटेशंस को हम इतना महत्व देते हैं, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज़ को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. एनीथिंग विच कैन बी ड्रेम्ट कैन ऑलवेज बी अचीव्ड. आपको याद होगा कि 1850 में दो गरीब भाई थे, विल्बर एंड ऑरविल, जिन्होंने एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन मैन्युफैक्चर किया. और वो किस तरह से, वो साइकिल मैकेनिक थे, साइकिल रिपेयर करते थे गैरेज में, लेकिन हर रोज़ वो देखते थे कि इतने सारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या इंसान नहीं उड़ सकता आकाश में? तो इन्होंने खोज की, इतना प्रयत्न, इतने एफर्ट्स लगाए, उनका एक ड्रीम था कि हम एक एरोप्लेन इन्वेंट करें. एंड दीज राइट ब्रदर्स फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग एन एरोप्लेन. बिल्कुल, हालांकि वो मैकेनिक साइकिल के थे, बट दे इन्वेंटेड एरोप्लेन्स. 1879 में थॉमस एडिसन को ख्याल आया कि इतना अंधेरा छाया हुआ है, लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है, तो क्यों ना मैं बल्ब इन्वेंट करूँ. एंड थॉमस एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, एंड टुडे वी हैव लाइट ऑल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब. तो क्यों हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को दबा देते हैं और अपने लिमिटेशंस को इतना उभर उभर के खड़ा कर देते हैं? एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव इनक्रेडिबल कैपेसिटी टू डू व्हाट दे ड्रीम. दे आर मोर वर्सेटाइल, मोर अडेप्टेबल, एंड इट कैन गेट देम मोर क्रेडिबिलिटी. लेकिन हमारी सोच ये नहीं होती है. मुझे ख्याल याद आता है कि डीन रॉस्कोपॉन, जो जिनको फादर ऑफ अमेरिकन सोशल ज्यूरिसप्रूडेंस कहते हैं, ही प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. और उन्होंने एक ऐसा ड्रीम देखा था ऑफ हैविंग सच अ सोसाइटी, बिल्डिंग सच अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी विच सेटिस्फाइज मैक्सिमम वॉन्ट्स विथ मिनिमम वेस्ट. कि कम से कम, और उन्होंने लॉ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जो थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बनाए, कि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि लोगों में बदलाव ला सके और लोगों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बदलाव ऐसे ला सके. आज हमारे देश में कितने सारे कानून है, लेकिन आज भी, जैसे कल से हम सुनते आ रहे हैं, शांति और खुशी, ये दो चीज़ आज भी हमें कानून नहीं दे पाया. एंड ये जो एक ऑफिशियल फिगर्स विच इमर्जेस फ्रॉम द होम मिनिस्ट्रीज,
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अभी अभी मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि 3.30 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस इंडिया, और कहा जाता है अगर भारत का पेस ऐसा ही रहा तो बाय द ईयर 2040 अराउंड 40 करोड़ पे केसेस वुड बी पेंडिंग। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? स्पिरिचुअल लॉज है, यहाँ लीगल लॉज, वर्ल्डली लॉज है, लीगल लॉज जिसको अगर हम कहें, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम उस भारत को देख सकते हैं जहाँ स्वर्ग होगा, जहाँ कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी? जस्टिस पाशापुरे सर ने आज सुबह ठीक की, और ये बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यू है कि हम 70 साल की इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर 68 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीगल स्ट्रक्चर या लीगल मैकेनिज्म किस दिशा में जा रही है? जस्टिस करनान, बहुत ही हॉट न्यूज़ है जस्टिस करनान की, और हम सब ने पेपर्स में पढ़ा है कि इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर जुडिशियरी इट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंच जजेस कंटेम्प्ट इश्यू करते हैं एक हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में, और एक हाई कोर्ट जज भी कंटेम्प्ट इश्यू करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट में, एंड एट्रोसिटी के कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट ऑफ आर कंट्री, और उन्होंने आदेश दिया फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि कभी हमने सुना नहीं था। हमने इम्पीचमेंट के बारे में सुना है, कंटेम्प्ट ऑफ एज अगेंस्ट अ सिटिंग हाई कोर्ट जज, और फिर कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट आ चुका लेकिन ही इज़ एब्सकॉन्डेड, पता नहीं है उनका फेयरवेल अपनी जगह पे, उनका यू नो सेंड ऑफ अपनी जगह पे, और वो अपनी जगह पे सीट पे थे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको कोई भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं देना, एंड ही रिटायर्ड। आफ्टर रिटायरमेंट भी वो लापता रहे करीबन 1 महीने तक। पिछले कुछ ही दिनों में उनका अरेस्ट हुआ, पुलिस ने कोयम्बतूर से अरेस्ट किया उनको, एंड 15 दिन हो गए सिंस ही इज़ अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। किस दिशा में हम जा रहे हैं? भारत की वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जिसका जन्म भारत में हुआ है, और उसी भारत में अगर जुडिशियल ट्रेंड्स हम देखेंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न। आप सोचो, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, व्हाट वुड बी द इम्प्रेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन जुडिशियरी इन दी कंट्रीज अब्रॉड, ओवरसीज, क्या सोचते होंगे वो भारत के बारे में? यह शायद जब करंट डेवलपमेंट्स की बात आती है हमारे लिए सोचने की अति आवश्यकता है। आप में से कई लोगों को पता होगा कि रिसेंटली एक बहुत ही और बड़ी, बिसाइड्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड कॉलेजियम डिबेट्स, बहुत ही बड़ी चर्चा पेपर में भी आ चुकी थी, वह है कि यूनाइटेड नेशंस का पीरियोडिक रिव्यू रिपोर्ट जो हर एक देश देता है, उसमें भारत के खिलाफ कई सारे प्रश्न उठे हैं कि आपने यह नहीं बताया, आपने यह नहीं बताया, यह नहीं बताया। May 4th को ये जो जेनीवा में सिटिंग हुई थी, भारत के एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी ने रिप्रेजेंट किया था, और उनको बहुत ही कठिनाई से डिफेंड करना पड़ा, फिर भी यूनाइटेड नेशंस कन्विंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा सितंबर में हम वापस डेट रखते हैं, आपको ये सारे मुद्दे, करीबन 18 मुद्दे हैं जो भारत को जवाब देना है। इट्स अ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू रिपोर्ट विच एवरी नेशन स्टेट हैज़ टू फाइल वंस इट रेटिफाइज अ पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो ये शायद एक हमारे लिए, जब हम जुडिशियरी की और जुडिशियल ट्रेंड्स और करंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे लिए एक सोचने की बात है। पिछले कुछ साल पहले जब महात्मा गांधी थे तब क्या था,
और अब सिचुएशन क्या है. जब बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स लॉयर्स थे, उनके अंदर में जो वैल्यूज़ थी, उनकी डिग्रीज अपने हद तक नहीं रही, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, ना ही सिर्फ अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जहाँ जहाँ इनजस्टिस होती है उनके लिए उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए. महात्मा गांधी का तो एग्ज़ाम्पल हम सबको, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोकमान्य तिलक, सभी जो थे, सभी के पास लॉ की डिग्री थी, लेकिन उनमें वैल्यूज़ थी. एक बार जब महात्मा गांधी जी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हिगिनबॉटम के साथ बैठे थे, तो बातचीत और बात के दौरान पे हिगिनबॉटम इकोनॉमिस्ट ने कहा, वेल स्पिरिचुअलिटी इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल शुड बी थ्री पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तब तुरंत ही महात्मा गांधी ने कहा, वेल इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू बी यूजफुल शुड बी थ्री फोर्थ स्पिरिचुअलिटी. तो आप देखोगे कि महात्मा गांधी भी अपने वैल्यूज़ में कितने भरपूर थे. मुझे कभी शायद किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि महात्मा गांधी तो एक फ्लॉप लॉयर थे, लेकिन एक फ्लॉप लॉयर हो के भी क्यों? क्योंकि वे सच्चाई की राह पर चलते थे. आज अगर हम इंडियन करेंसी नोट्स में भी देखेंगे तो महात्मा गांधी जी है. तो ये एक महत्व की बात है कि आज भी उनके वैल्यूज़ के तौर पर उसको कितना याद किया जाता है. क्राइम्स की जब बात आती है, रोज़ ही हम पेपर्स में पढ़ते हैं क्राइम्स कितने बढ़ चुके हैं. तो क्राइम्स बढ़ते ही जाते हैं, कानून बहुत सारे हैं, नए नए कानून जो 2013 में आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, 2005 में इट वाज कॉल्ड एज द लॉ ईयर, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव आए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, और काफ़ी सारे कानून आते ही रहते हैं. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया लॉ है, साइबर क्राइम्स, जितनी जितनी तरक्की उतने उतने क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं. लेकिन अगर हम ये अगर सोचने की बात करें, क्राइम्स की बात करें, जैसे सर ने कहा कि आईपीसी 1860 क्रिमिनल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1879, देन आफ्टर अमेंडेड 1973, और अभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो दिल्ली में घटना हुई निर्भया रेप केस दिसंबर 2012 के बाद कुछ बदलाव आए हैं. लेकिन क्राइम्स कैसे होते हैं? क्रिमिनल जूरिसप्रूडेंस कहता है कि हमारी सोच से शुरुआत होती है. Because even law says there are four stages of commission of an offense, its intention, preparation, attempt and commission. तो सब कुछ हमारी सोच से शुरुआत होती है, good, bad, evil. हमें किसी का भला भी करना हो तो पहले वो सोच हमारे दिमाग में आती है. So everything begins with a mind. And the very same criminal jurisprudence कहता है mens rea, guilty mind. सो एवरी माइंड को इतना महत्व दिया जाता है. सो ऑल्सो स्पिरिचुअल लॉस. बाबा हमें हर रोज़ की मुरली में कहते हैं कि अपनी सोच को रिस्ट्रिक्टेड रखो, सेंट्रीफ्यूज, यू नो, फिल्टर योर नेगेटिव बैड थॉट्स, यू नो, ऑल दी अदर थॉट्स जो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव थॉट. हालांकि पूरी मुरली में से आप एक ही पॉजिटिव थॉट ले लो, लेकिन हमारी यह सोच हम बदलने के लिए तैयार नहीं है. आप तो सभी लॉयर हो, आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू मेंस रिया, द मैक्सिम इज एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया. एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट और एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विथ अ गिल्टी माइंड. सो इट इज द माइंड विच इज एट अ फॉल्ट. कैन अ जज इंट्रोस्पेक्ट इन टू द माइंड ऑफ अ पर्सन? मैं चाहे कितनी भी विद्वान रही होगी और आप सब मेरे सामने देखते होगे, और मैं अगर ये सोच भी लूँ कि आप मुझे सुन रहे हो सकता है आप में से किस कोई मुझे सुन नहीं रहा हो. कैन आई स्टेप इन टू योर माइंड? आज तक टेक्नोलॉजी ने उतनी तरक्की नहीं की. हाँ,
We have invented lie detector test, brain mapping test, narco analysis test, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यह भी जजमेंट दे दिया कि द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस एविडेंस इज इट हैज़ टू बी करोबरेटेड बाय एडिशनल और एन एडिशनल एविडेंस विल हैव टू बी एड्यूस्ड. तो कहाँ तक हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इस जुडिशियल ट्रेंड्स में हम मर्ज कर सकते हैं, यह एक देखने का भावार्थ है. पिछले हफ्ते ही एक बहुत ही सैड दुर्घटना हुई. सर, जस्टिस पी एन भगवती पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95. बहुत ही मैं गर्व महसूस करती हूँ जस्टिस, उस जमाने के जो जजेस, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस डी ए देसाई, पिछले हफ्ते ही उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी डेथ हो गई. लेकिन शरीर छोड़ने से पहले जो महत्व का काम उन्होंने किया वह था कन्फेशन. ही एडमिटेड हिज एरर. एडीएम जबलपुर का केस जो हुआ था, जब वह चीफ जस्टिस बनने का उनको प्रॉस्पेक्ट्स थे, और या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द हेबियस कॉर्पस केस, इट्स आल्सो कॉल्ड एज द ब्लो ऑफ सिविल लिबर्टीज. जब इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो गए थे, तो उन्होंने, इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने मेजॉरिटी जजेस को सपोर्ट किया था. हालांकि मुझे अवसर मिला था, एक ही डिसेंटिंग जज थे, जस्टिस हंसराज खन्ना, और मैं दिल्ली में उनको रिटायरमेंट के बाद मिली थी और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने मिली थी. वो बैठे थे अपने घर के बाहर, काफ़ी देर तक हम बात कर रहे थे. मैंने कहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर डेयरिंग एफर्ट टू डिसेंट. यू नो, यूजुअली टेंडेंसी क्या होती है, वी सपोर्ट द मेजॉरिटी. और जस्टिस पी एन भगवती ने मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, प्रॉबेबली with a vested interest of being elevated as the Chief Justice of India. He got elevated as the Chief Justice of India और retire भी हो चुके अपना tenure ख़त्म करके. retirement के बाद 3 decades, for nearly about 35 years, it's more than 3 decades, उनको इतना पछतावा हुआ कि एक दिन उठकर उसने 2011 में सडनली प्रेस मीटिंग बुलाई. टेलीविज़न पे भी उनके इंटरव्यूज़ आए थे कि मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी से बड़ी गलती अगर मैंने की, तो वह थी सपोर्टिंग द मेजॉरिटी. आज अगर मैं उसी बेंच पे बैठ के जजमेंट दूँ, तो आई वुड री राइट दैट जजमेंट एंड आई वुड सपोर्ट द डिसेंटिंग जज हु वॉज ओनली वन. शायद ये एक स्पिरिचुअल वैल्यू उनकी सोच में थी, उनके मन में थी, उनकी बुद्धि दिमाग में थी कि मैंने गलती की और कुछ भी मुझे हो जाए उसके पहले मैं कन्फेस करूँ. मैंने वह टेलीविज़न पे प्रेस इंटरव्यू, वो जो इंटरव्यू हुई थी वह देखी थी. बार बार लगातार जो इंटरव्यू ले रहा था वो पूछ रहा था, टेल वेदर हैव यू कमिटेड एन एरर, वेदर हैव यू, he said yes, I'm telling you, yes, I committed a blatant error in my life and today I want to regret for that. Today if I were to sit as a judge, my judgment would have been the other way round. To ye kuch spiritual values hai jo hame kehti hai ki yes, you confess. And shayad लास्ट वीक जब उनकी मौत होगी, उनमें कुछ भी शायद पश्चाताप नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके मन में जो 35 साल से सोच चल रही थी और उन्होंने अपना जो कबूल कर दिया, वो शायद एक बहुत ही अहम बात है. जब हम करंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तो शायद हमारे लिए एक सीख है कि सच्चाई पे की राह पर भले पत्थर मिले, लेकिन सच्चाई की आखिर में जीत होती है. और इसी सिलसिले में जुडिशियल ट्रेंड्स की बात करते करते मुझे एक और उदाहरण, कस्टोडियल जब वायलेंस पे बात आती है, 1930s की, बहुत साल पहले की ये बात है,
कि बहुत ही ग्रूसम और वायलेंट मर्डर मर्डरर्स जो थे उनको एक सिंग सिंग प्रिजन में रखा गया था, और सारे के सारे हार्डन्ड प्रिजनर्स थे, इनकॉरिजिबल प्रिजनर्स, और सभी को उस एक ही जेल में रखा गया था। लेकिन उनकी देखरेख करने के लिए जो जेल की फिलेंथ्रोपिस्ट वाइफ ऑफ द जेल वार्डन, उसका नाम था कैथरीन लॉज, वो इतने प्यार से, वो सब भले ही मर्डरर्स हो, एक मर्डर किया हो, 10 मर्डर किए हो, वो इतने प्यार से उनसे रहती थी कि ये सारे के सारे जो कैदी थे वो बिल्कुल उनकी सोच में बदलाव आता गया। और एक दिन उसी कैथरीन लॉस की एक्सीडेंट में सडनली डेथ हो गई, और 2 किलोमीटर दूर, जेल से 2 किलोमीटर दूर डेथ हो गई। और ये सारे कैदियों ने परमिशन मांगी कि हमें लास्ट राइट्स या लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए हमें भेजा, हमें परमिशन दी जाए। उनको परमिशन दी गई, और कुछ भी उसके हाथ में हैंडकफ्स या जंजीरे या पुलिस या कुछ भी न होते हुए सभी को कहा कि हाँ, आप सभी जा सकते हो, और उनके जो लास्ट फ्यूनरल राइट्स है वहाँ रिस्पेक्ट देके आप वापस आ सकते हो, लेकिन ठीक 5 बजे के पहले आप सभी को वापस आ जाना है। और देखने की बात यह है कि जो स्पिरिचुअल लॉज हमें सिखाता है, प्यार और शांति से व्यवहार करना लोगों से, उस बदलाव, वो इवन हार्डन पर्सन में कितना बदलाव ला सकता है कि ठीक 5 बजने के पहले सभी कैदी अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म करने के लिए, एक भी वहां से भाग नहीं निकला, सभी वापस आ गए। तो स्पिरिचुअलिटी या वैल्यूज का इतना महत्व है। लेकिन जब एज अ लॉयर कभी कभी हम सुबह बालमुकुंद भाई कह रहे थे, कैन वी बैलेंस बिटवीन लॉ एंड लव? द आंसर इज यस, वी कैन बैलेंस, बट व्हाई इज इट दैट वी डोंट रियलाइज एंड वी कांट ब्रिज द गैप्स बिटवीन लव एंड लॉ? बिकॉज लव इज समथिंग विच इज स्पिरिचुअल बेस्ड और स्पिरिचुअल ओरिएंटेड, लॉ इज समथिंग विच हैज टू बी विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉज। तो क्या हम मर्ज कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, जरूर कर सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम की किताब मैंने पढ़ी थी, द विंग्स ऑफ फायर, उसका एक रिव्यू रिपोर्ट भी लिखा था। वो तो साइंटिस्ट थे और इसरो के साइंटिस्ट थे, उनकी पूरी किताब में टेक्निकलिटीज बहुत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पूरी अगर किताब, छोटी सी किताब है, जब भी आपको वक्त मिले ज़रूर पढ़ना, कि उनमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कितने कूट कूट के भरे हुए थे, वो उसमें रिफ्लेक्ट होता था। और उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि इवन साइंस, जो बिल्कुल प्रूफ के सिवाय कुछ नहीं एक्सेप्ट कर लेता, उसका भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही गहरा संबंध है। तो क्या ये लॉस का स्पिरिचुअलिटी से गहरा संबंध नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वी ऑफन फेल टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द ट्रू लॉ ऑफ नेचर। आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सबको पता है कि एक दिन हमें यह शरीर छोड़ना है, वी आर नॉट गोइंग टू लिव इनडेफिनेटली, भले 10, 15, 20, 25, 100 साल के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 150, उससे तो ज़्यादा शायद ही हमने किसी का सुना हो। हमें पता है कि हमें एक दिन शरीर छोड़ना है, लाइफ इज़ ह्यूमन बॉडी इज मॉर्टल, बाबा कहते हैं इट्स ओनली आत्मा विच इज़ इमॉर्टल, और इसीलिए हमें सतत अपने आप को यह याद दिलाना है। जैसे बालमुकुंद भाई ने सुबह कहा था, हु एम आई एंड हु इज़ माइन, वॉट इज़ माई ट्रू सेल्फ। मुझे याद आ रहा है, वन ऑफ द सेवन ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ एंशियंट ग्रीस, उसमें से एक थे थेल्स, और थेल्स इतने मशहूर थे कि उसके बहुत सारे दुश्मन थे, और वो उनको टफ टफ क्वेश्चंस पूछते थे, और इतने टफ क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े प्रश्न होते थे, उसका वो एक ही शब्द में जवाब देते थे। तो उनसे एक बार किसी स्केप्टिक ने पूछा कि सर, आई हैव फ्यू डाउट्स टू बी आस्क्ड टू यू। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन आंसर योर क्वेरीज।
तो उससे पूछा गया, सर व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इन लाइफ? तो उसने कहा स्पेस, खाली एक ही शब्द स्पेस, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच इज क्रिएटेड इन द यूनिवर्स. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ? तो उसने कहा वर्च्यूज, देयर कांट बी एनीथिंग बेटर देन वर्च्यूज. तीसरा प्रश्न, व्हाट इज़ द क्विकेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इन लाइफ, जल्दी क्विक? तो उन्होंने कहा थॉट. हमारी विचार इतनी तेज चलती है कि आज अगर मैं किसी को यूके में याद करना चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे एक सेकंड में याद कर सकती हूँ. दैट इज़ द थॉट प्रोसेस. तो उसने कहा थॉट. चौथा प्रश्न, व्हाट इज़ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन लाइफ? तो उसने कहा टू गिव एडवाइस टू अदर्स एंड नॉट इम्प्लीमेंट सेल्फ. लोगों को एडवाइस देना बहुत ही आसान होता है, ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, और खुद को कुछ लागू नहीं होता. ओके, देन व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ? टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो. That is the most difficult thing. लेकिन बाबा हमें कहते हैं I am giving you the easiest way of knowing thyself. And that is Raj Yoga meditation, Raj Yoga practice. मुझे याद है एक devastating tragedy में एक इंसान ने अपना सभी कुछ गवा दिया था. बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही विद्वान, उनकी सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल डिग्रीज, सब कुछ उसका गवा दिया. उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, अपना शरीर बचा था और कपड़े जो उसने पहने थे, और वो बहुत ही खुश था. तो किसी ने उसको पूछा कि इतनी सारी जो प्राप्तियाँ आपने की वह सब आपने गवा दी, फिर भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? तो उस आदमी ने कहा कि आई लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ बट आई फाउंड समथिंग विच इज़ एक्सिलरेटिंग एंड अपलिफ्टिंग. जिसने मुझे ऊपर उठा लिया वो मैंने ढूंढ लिया और वह आई फाउंड माई ओन सेल्फ. मैं क्या हूँ उसकी मुझे समझ आ गई अकेले रहने से. जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारा माइंड जुड़ा रहता है वह सब कुछ मुझसे छूट गया, तब मुझे अपने आप की पहचान हुई. तो हर रोज़ की मुरली में भी बाबा हमें यही सिखाते हैं कि अपने आप को स्वयं मैं क्या हूँ, यू रिमेंबर योरसेल्फ. इस पर एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है कि एक शेर था, शेर जंगल का राजा शेर, और वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर जंगल में जा रहा था. और वह बच्चा नया नया जन्मा था लेकिन चल के अपनी माँ के साथ जा रहा था. लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो बच्चा बिछड़ गया जंगल में और अपनी माँ से बिछड़ गया, और बहुत ही ढूंढा ढूंढा नहीं मिला. और जिन जिन पक्षियों प्राणियों से वो मिला तो वो उसकी क्वालिटीज़ एब्जॉर्ब करता गया. हमारे में कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग. जहाँ जहाँ भी गया वैसा रंग उसको लग गया. अगर वो घोड़े से मिला तो उसको लगा मैं घोड़ा हूँ, अगर वो दूसरे प्राणी से मिला तो उसको लगा मैं गाय से मिला मैं गाय हूँ. अगर जो जिन जिन को मिला ही स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग द क्वालिटीज़ ऑफ दोज एनिमल्स बर्ड्स. और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उसके सामने एक बड़ा सा शेर आकर खड़ा हो गया, और ये बिल्कुल छोटा था वैसे तो एकदम घबरा गया. और उसने कहा कि आई एम अ सॉरी, मुझे मार के खा मत जाना. हाथ जोड़ के कहा आई एम अ स्मॉल हेल्पलेस गोट, यानी कि मैं तो एक बकरी का बच्चा हूँ और आप मुझे प्लीज़ मार के खा मत जाना. तब वो शेर को एकदम आश्चर्य हुआ. उसने कहा कि ये मेरी बिरादरी का शेर का बच्चा है, ये ऐसे क्यों कह रहा है? तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो. वहाँ एक पानी का पॉन्ड था, उसने कहा उसमें झाँक कर देखो. तो वो शेर के बच्चे ने पानी में झाँक कर देखा और वो शेर ने भी झाँक कर देखा. तब देखा कि दोनों एक जैसे हैं. तुरंत ही उस शेर के छोटे से बच्चे को समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं तो यही बिरादरी का हूँ. और बहुत ही खुश होते होते वह अपनी बिरादरी जो शेरों की थी उसमें वह चला गया.
A very very apt example of knowing thyself. मैं कौन हूँ? अगर हम अपने आप को भूल जाते हैं, because मुझे याद है चार पांच बार जब foreign में पढ़ने गई थी, तो मैंने देखा कि अपने Indians, सभी नहीं है उसमें, exceptions भी हो सकते, लेकिन Indians को देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी कि वो अपने भारत देश के हैं, लेकिन अपने ही Indians वहाँ settle होके इतने बदल सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था. हालांकि वहाँ के local लोग इतने helpful होते थे, लेकिन Indians हमें देख के भी जैसे हमें पहचानते नहीं वैसा कर देते थे. तो ये एक अनुभव होता है कि हमें कहीं पर भी जाते हैं वहाँ का रंग कितना लग जाता है. भारत देश में रहते रहते भी हम कितने वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला एंड ये यू नो बर्गर एंड हैमबर्गर एंड एक्स वाई जेड एंड कैप्यूसिनो एंड कॉफ़ी कॉफ़ी डे एंड एक्स कितने कितने आउटफिट्स वेस्टर्न, ये वेस्टर्न सभी, और वहाँ वेस्टर्न में ऐसा शैम्पू वेस्टर्न. लेकिन हम अपने रामदेव बाबा लगातार कहते हैं स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, वो ज़्यादा प्योर है, केमिकल फ्री है, लेकिन हम अपने ही जो गुण स्वधर्म होते उसको भूलते जा रहे हैं. और जो संसार की यू नो क्वालिटीज़ है बाकी की जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह हम जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते. तो बाबा हमें यही लगातार कहते हैं कि ट्राई फर्स्ट टू नो योर सेल्फ, दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ, योर ट्रू नेचर. एंड टू अंडरस्टैंड दैट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ वी हैव टू फॉरगेट अवर फिजिकल बॉडी. भगवत गीता में भी एक अच्छा सा श्लोक है, चैप्टर 2 टेक्स्ट 28 में, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वम शोचितम अर्हसि. वन हु इज बॉर्न इज श्योर टू डाई, एंड आफ्टर डेथ अ पर्सन इज श्योर टू टेक बर्थ वंस अगेन. And therefore, in this unavoidable discharge of duties, you should not lament. Samay, time plays a very crucial part in our life. Death is inevitable. It can come to a person any time without notice. आज बैठे बैठे मैं यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है कुछ भी समय में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है. So it is said that time plays a very very important role. एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ हमारी लाइफ में है, वह है समय. एक सेकंड जो हमारे हाथ से चली गई है वह वापस कभी नहीं आ सकती. एंड अबाउट टाइम इट्स राइटली सेड दैट येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमोरो इज मिस्ट्री. वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमोरो, एंड टुडे इज अ गिफ्ट. इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट एंड इट्स द गिफ्ट. देयरफॉर लिव in the current, you know, presence, the present scenario as such. Don't think, jaise kal Amita Ben ne bhi kaha ki, you know, you should start forgetting past, because we often stick to the past so much. We often have fears of future. Kya hoga? Kal kya hoga? Kal agar ye ho gaya, mere paas paise nahi rahe, to kya hoga? To Baba kehte, hamare vartaman mein jeevo. लगातार हर समय आप यहाँ देखते होंगे कि हर एक घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल के सिग्नल्स आते हैं, और हमें लगातार याद, ये याद दिलाने के लिए कि अपने आप को जानो. दैट इज़ नॉट योर फिजिकल सेल्फ और योर फिजिकल बॉडी. अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ एंड दैट इज सोल विच हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू इन्वोक एज सच. लेकिन हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. कहते हैं ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वी एज ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर स्पीसीज. अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इट इज सेड दैट वी आर द मोस्ट रेस्टलेस स्पीसीज ऑन दिस अर्थ प्लैनेट. रात को भी हम सपने देखते हैं, रात को भी हमारा दिमाग बंद नहीं होता, चलता ही रहता है. कॉन्स्टेंटली योर थॉट्स कीप ऑन जर्निंग.
So we dream something, we dream bad, good, evil, whatever it is, लेकिन constantly it is on a move. लेकिन इस दिमाग की वजह से have we made the use of this human brain? See, that is what is very, very important. ये नहीं है कि brain है तो educational qualification, PhD या इतने बड़े professor या इतने बड़े advocate या ये कोई तरक्की नहीं है. These are all materialistic, things which we feel happy about, but that is not the true thing. It is said that we have made all these advancements. मैं कई बार कह चुकी हूँ पिछले बार भी, with advancements in science and technology, as Lata Behenji yesterday said, it has not got us peace or happiness. मैं रोज बीपी की गोली खाती हूँ बिकॉज मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए. दिन भर की एक गोली होती है एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ ब्लड प्रेशर. और ऐसी कोई गोली निकली है कि सुबह में एज अ विटामिन या टॉनिक एक गोली ले लूँ और दिन भर में खुश और शांत दिमाग से रह सकूँ. अनलेस देर आर ट्रैंक्विलाइजर्स, सी डॉक्टर्स गिव अस ना दैट ओ बहुत ही दर्द हो रहा है, पेन किलर्स, ओके, बहुत ही उनको पीड़ा हो रही है, ठीक है, ड्राउजीनेस या कुछ वो, ताकि वो नींद में होए तो उनका पेन उतने समय, बट इट्स नॉट परमानेंट. इट इज़ सेड दैट विथ ऑल दिस एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमें खुशी या शांति नहीं दे पाया है. एंड देयरफॉर द वन थिंग विच वी ऑल आर लैकिंग इज ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी नहीं है हम में और खुशी शांति अपने आप में नहीं है तो हम दूसरों को भी नहीं दे सकते. एंड देयरफॉर अगर मैं कहूँ कि वो भाई ने तो 4 साल पहले मेरे से झगड़ा किया था, उसको बराबर मैं सबक सिखाऊंगी, ये बहन जी ने तो मुझे 2 साल पहले इतना घूर के देखा था, मेरे साथ बात नहीं की थी, जब तक मैं उसको बराबर सबक नहीं सिखाऊँ, ये पास्ट में जीते जीते हम अपनी ह्यूमैनिटी डिक्लाइन करते जा रहे हैं और हम अपनी इंसानियत खोते जाते हैं. और एक दिन ऐसा आ जाता है जब हमारी सांस ख़त्म हो जाती है, सब वहीं का वहीं रह जाता है. हो सकता है आपने बदला ले भी लिया लेकिन उससे आप खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, उससे आप शांति प्राप्त नहीं कर सकोगे. कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि आपने बदला ले लिया लेकिन उससे आपको परमानेंट खुशी या परमानेंट शांति कभी नहीं मिलेगी. लीगल फील्ड में होते हुए हमारे कई सारे कानून भी ऐसे है, कोर्ट वर्डिक्स भी ऐसे है. इसीलिए सर ने कहा था केस कमेंस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव एवरी राइट टू क्रिटिसाइज द मैनर इन विच द जुडिशियल मैकेनिज्म इज फंक्शनिंग. पाशापुरे सर ने सुबह ही कहा था केस कमेंस इज डिफरेंट बट वी हैव टू ब्लेम इवन द अपेक्स कोर्ट जजमेंट्स फॉर द ग्लेयरिंग एरर्स. एंड इसीलिए आजकल के 5 ईयर्स 3 ईयर्स के लॉ के बच्चे भी केस कमेंट्स देते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो लेकिन उन्होंने गलती देखो कहाँ की जजमेंट में, रीजनिंग्स में. हम देखते एक्सीलेंटली इतनी रिसर्च करके वो आर्टिकल्स लिखते हैं केस कमेंट्स में, तो अबाउट लॉज एंड दी लीगल मैकेनिज्म्स. कहा जाता है दैट आई एम अ पार्लियामेंटेरियन ड्राफ्ट्समैन, आई कंपोज द कंट्रीज लॉज एंड ऑलमोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द लिटिगेशन आई एम अनडाउटेडली द कॉज. सुबह सर ने शायद कहा था, नहीं, जस्टिस राव सर ने कहा था 46% लिटिगेशन इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैं जब बॉम्बे से यहाँ 22 को निकल के आई, 22 के दिन ही टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि ये 46% गवर्नमेंट लिटिगेशन अगर हट जाए तो ओनली 54% लिटिगेशन देन रिमेन्स. ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. क्यों? गवर्नमेंट लड़ना चाहती है. ओके फॉर दिस फाइल अ केस, ओके फॉर दिस डिफेंड अ केस, ओके फॉर दिस डू दिस, फॉर दिस डू दिस. और उतने ही गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट प्लीडर रह चुकी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीडर. और जब प्रैक्टिस छोड़ी, हालांकि प्रैक्टिस छोड़ने की भी वजह थी, मुझे पीएचडी पूरा करना था तो सोचा था मैं पीएचडी ख़त्म करके वापस प्रैक्टिस में जाऊँगी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल पश्चाताप नहीं हो रहा है कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ी.
तो जब प्रैक्टिस छोड़ी तब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री ने ग्रेड वन काउंसिल का दर्जा दिया था. मेरे पास वो लेटर अभी भी है. उसके एक हफ्ते बाद मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी. लेकिन आज आई डोंट रिग्रेट. बहुत कुछ सीखा, कुछ समय मिला उसमें. जो भी सेवाएं बाबा हमसे करवाते हैं, जो भी बाबा का सोच होती है, उस हिसाब से हम जो कुछ भी, कुछ रिसर्च भी किया, कुछ पोजीशंस भी हासिल कर ली, और यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते रहते भी रिसर्च ओरिएंटेड बन गए. क्योंकि जब पोस्ट ग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स को, पीएचडी के, एमफिल के स्टूडेंट्स के प्रश्न के जवाब देते, उसी कोर्स में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं उनसे भी, स्टूडेंट्स. क्योंकि सीखा, अच्छी चीज़ें सभी लोगों से सीखी जाती है. What happens is, गांधी जी ने कहा था, जैसे वो थियोरीज ऑफ पनिशमेंट है, डेटरेंट, प्रेवेंटिव, रेट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव एंड कॉम्पेंसेशन थियोरी. तो महात्मा गांधी सपोर्ट करते थे रिफॉर्मिस्ट थियोरी, रिफॉर्मेटिव थियोरी. कहते थे डोंट हेट क्रिमिनल, हेट द क्राइम दैट ही हैज कमिटेड. और यही रिफॉर्मेटिव थियोरी कहती है कि इंसान गुनाह क्यों करता है, ईदर दैट्स बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन मोटिव एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, ईदर द टेम्पटेशन ऑफ यू नो द रिस्ट्रेंट इम्पोज बाई कैरेक्टर इज वीक, और द टेम्पटेशन ऑफ मोटिव इज स्ट्रांग. एंड महात्मा गांधी भी कहते थे यू कैन नॉट क्योर बाय किलिंग. आज निर्भया रेप केस के बाद जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन रिपोर्ट बैठी थी, कई सारे अमेंडमेंट्स चेंजेस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आए. एक और डेथ सेंटेंस ऐड हो गई कि अगर किसी पे इतना बड़ा गैंग रेप हुआ हो और उसी वजह से अगर कोई स्त्री परसिस्टेंट वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस यानी कि कोमा में चली जाती है तो उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए. एसिड अटैक ऐड किया गया, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म जैसे नए गुनाह ऐड किए गए हैं. लेकिन रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है कि डोंट, अच्छा अगर रिफॉर्मेटिव भी हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो क्या यह भारत देश में काम करेगा? लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर लैंग्विशिंग. It's the National Police Commission report which says that more than 85% of the under trial prisoners are languishing in jails. Where is our justice mechanism? Public interest litigation में आप सभी विद्वान हैं. जिसको भी हम याद कर सकते हैं अपने पूर्व के former patron member late justice V.R. Krishna Iyer, जो बहुत ही भावुक हो जाते थे. आप उनके कई सारे जजमेंट्स देखोगे, उनका इंग्लिश एकदम सुपर रिफाइंड होता था. इवन चीफ जस्टिस को भी अगर उनका इंग्लिश समझना हो तो एक डिक्शनरी की ज़रूर शायद पढ़ती होगी, और हम सभी को पढ़ती है. और एकदम सरकास्टिक जजमेंट्स पास करते थे. यही कि उनमें स्पिरिचुअल वैल्यूज थे. जस्टिस भगवती, जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्हीं ने ऊपर लाए हैं. ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताया गया था कि नेक्स्ट सेशन शुरू होने जा रहा है, और इसीलिए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ. उसके पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि वी नीड टू ड्रीम, वी नीड टू ड्रीम ऑफ अ वर्चुअफुल यू नो भारत और इंडिया. और तब मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक बात याद आती है. उसने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. और उसने कहा था कि आई हैव अ ड्रीम, अ डे विल कम when my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Thomas Paine ne book thi Rights of Man, usme likha tha ki hamari soch aisi honi chahiye ki not just India but the whole world is my country, all mankind are my brothers, and to do good is my religion.
आज हम रिलीजियन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल लॉज यही कहता है कि किसी का भला करो, दैट शुड बी माय रिलीजियन, रादर देन कॉलिंग माय सेल्फ आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम और आई एम अ कैथलिक और यू नो आई एम अ पारसी और सो एंड सो ऑन. वी नीड टू अवेकन दिस, इग्नाइट दिस लाइट इन आवर सोल. और जैसे हर समय मैं एक वाक्य जरूर ये चाइनीज फिलोसोफर का कहती हूँ, उन्होंने कहा था कि वी नीड टू इग्नाइट दिस लाइट इन आवर सोल. उन्होंने कहा था कि वेयर देयर इज़ अ लाइट इन द सोल देयर इज़ ब्यूटी इन द पर्सन, वेयर देयर इज़ ब्यूटी इन द पर्सन देयर इज़ हार्मनी इन द होम, वेयर देयर इज़ हार्मनी इन द होम देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, एंड वेयर देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन देयर इज़ पीस ऑन दिस अर्थ. थैंक यू सो मच. ओम शांति.